नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, हमारा चल रहा है फोटोशॉप सीसी और हम लोग सीख रहे हैं फोटोशॉप के तमाम टूल्स के बारे में। और इस अध्याय में हम लोग सीखने वाले हैं क्रॉप टूल के बारे में। तो एक्चुअली आप लोग सोच रहे हैं क्रॉप टूल के लिए अलग से वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी। तो एक्चुअली क्या होता है कि क्रॉप टूल से रिलेटेड बहुत सारी गलतियां फोटोशॉप वाले लोग करते हैं, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम होती है आगे चल करके। क्रॉप टूल को प्रॉपर तरीके से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो एक साइज का सही रेशियो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा। चाहे आप वो किसी स्क्रीन के लिए डिजाइन कर रहे हो, चाहे वो किसी भी साइज के लिए डिजाइन कर रहे हो, तो उसके लिए जरूरी होता है क्रॉप टूल को बिल्कुल सही तरीके से यूज करना। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे रेड बटन पर क्लिक करके प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्लीट सीरीज लेकर के आने वाला हूं जो आपके लिए काफी मदद करेगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं क्रॉप टूल, और क्रॉप टूल के प्रॉपर्टी में और सारे टूल हैं जिनको वन बाय वन करके हम समझेंगे। इन सभी टूल को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आगे काम करने के लिए। तो पहले हम क्रॉप टूल को समझते हैं। तो इसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए जो है, हमने ये इमेज सेलेक्ट किया हुआ है और इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं अल्टर प्लस माउस स्क्रॉल के माध्यम से। तो इसको क्रॉप करने के लिए, एक्चुअली क्रॉप करते हम किस लिए हैं? क्रॉप एक्चुअली इमेज जो होती है किसी भी साइज की आप खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए जनरली कैमरे से खींचेंगे तो वो ज़्यादातर स्क्वायर में अगर आ गई, और अगर आप उसको 5x7 में प्रिंट करना चाहते हैं, 2x3 में प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर मोबाइल स्क्रीन के लिए प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर मोबाइल स्क्रीन के साइज के लिए आप उसको डिज़ाइन करना चाहते हैं, उसको सही करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए ज़रूरी होता है सही रेशियो के माध्यम से उसको क्रॉप करना। यानी कि उसकी जो एक्स्ट्रा स्पेस है, एक्स्ट्रा जो साइज है, उसको काट करके निकालना, अनवांटेड हिस्से को काटना ही क्रॉप है। तो जनरल लोग क्या करते हैं कि जैसे इसको काटना है, मान लीजिए इसमें से हमें ये इमेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल जैसे ही आप क्रॉप को सेलेक्ट करेंगे तो इसके चारों तरफ ये हैंडल आ जाते हैं। आप यहाँ से भी इनको पकड़ करके आप जो है क्रॉप ले सकते हैं, या फिर आप जो है इस तरीके से क्लिक करके ड्रैग करके भी आप ये इमेज को इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है इस तरीके से सिलेक्शन में आ जाएगा, और उसके बाद सेंटर में रहते हुए आप ये देख सकते हैं मूव टूल का जो है रूप ले रखा है माउस पॉइंटर। तो बीच में क्लिक करके आप, यानी कि सिलेक्शन एरिया के अंदर अगर आप क्लिक करते हुए इधर उधर करेंगे तो ये इमेज जो है इधर उधर होगी, जिससे जो है आप इसको सेलेक्ट करके प्रॉपर तरीके से अपने हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। तो ये तो अंदर रखते हुए हो गया, और अगर आप इस सिलेक्शन से बाहर जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये मूव करने के लिए टूल आ गया, यानी कि इमेज को आप मूव कर पाएंगे इस तरीके से। किसी भी एंगल में मूव करके अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो मूव करके भी क्रॉप कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मूव करके किसी भी एंगल में आप क्रॉप करना चाहते हैं, तो इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद आप इंटर बटन को सिंपली प्रेस करेंगे, या फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आ करके आप क्रॉप बटन पर प्रेस कर देंगे, तो ये जो है उसी हिस्से में क्रॉप हो जाएगा इस तरीके से। तो ये तो हो गया सिंपल क्रॉप, लेकिन यहाँ पर आपने ये ध्यान नहीं दिया कि ये इमेज आपने आखिर किस वजह से क्रॉप किया है, कहां पर यूज करने के लिए क्रॉप किया हुआ है। अगर आप इसको मान लीजिए 5x7 का फोटो इमेज प्रिंट कराने के लिए अगर आपने क्रॉप किया है, तो जैसे ही 5x7 पर जाएंगे तो इसकी चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी, और उस पर जब आप सेट करेंगे तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है इमेजेस के अंदर जो जनरल लोग करते हैं। तो क्या होता है कि अगर क्रॉप का रेशियो सही नहीं रहा तो क्या होगा, या तो इमेज की हाइट बढ़ जाएगी, फेस लंबा हो जाएगा, या तो फिर इमेज ऐसे चौड़ाई में खींच जाएगी, तो फेस जो है चौड़ा हो जाएगा, शरीर चौड़ा हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है, इसीलिए इसका सही रेशियो जानना जरूरी है। तो इसीलिए हम कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस जेड प्रेस करते हैं और वापस चलते हैं जेन्युइन इमेज पर, और फिर दोबारा से हम क्रॉप को लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टी में आए हुए ये रेशियो के बारे में, इसका रेशियो क्या होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कुछ रेशियो दिया हुआ है, जैसे कि 1:1, यानी ये स्क्वायर रेशियो बनाएगा। 4:5 का रेशियो है, ये 4:5 के लिए आप जो है कोई इमेज प्रिंट करना चाहते हैं तो वो रेशियो यहाँ से लिया जाएगा, या फिर 5:7 का रेशियो है, वो रेशियो लेंगे तो 5:7 या 5:7 का जो इमेज प्रिंट आउट किया जाता है उसके लिए ये रेशियो बना हुआ है। उसी प्रकार 2:3 है, 4:6 है, 4:6 का कोई इमेज अगर आप
प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको ये लेना होगा, या फिर मोबाइल के लिए अगर आप मोबाइल स्क्रीन के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो 16:9 होता है। ये जो है मोबाइल का स्क्रीन होता है 16:9 का रेशियो होता है। अगर आप इस पर लेकर के अगर आप इमेज को क्रॉप करते हैं तो मोबाइल के स्क्रीन पर बिल्कुल फुल स्क्रीन पर एग्जैक्ट फिट बैठेगा। लेकिन इनमें से अगर कोई और लेते हैं रेशियो तो क्या होगा, मोबाइल के स्क्रीन पर तो दिखेगा लेकिन जब आप उस फुल इमेज को जब आप देखेंगे मोबाइल के स्क्रीन पर तो या तो ऊपर नीचे से कटेगा या फिर साइड से कटेगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। सही रेशियो का सेलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मान लीजिए 5:7 का रेशियो अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से ऑटोमेटिक ले लेगा और रेशियो जनरेट हो जाएगा। अब यहां से क्या है, अगर आपको ये पूरा हिस्सा नहीं चाहिए तो आप इसको कोई भी हैंडल से एरिया सेलेक्ट करते हैं तो ये एक रेशियो में कम होगा। आप इसको अपने इच्छा के अनुसार इसकी हाइट कम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे या फिर अपने इच्छा के अनुसार आप इसका विड्थ कम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपने रेशियो सेलेक्ट कर लिया तो ये जब भी होगा वो उसी रेशियो में होगा कि जब वो साइज में जब आप प्रिंट कराएंगे तो वो रेशियो बिल्कुल कंप्लीट आएगा। किसी भी जो इमेज का जो हाइट है या फिर विड्थ है वो कम ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरीके से मान लीजिए हमें इतना चाहिए और 5:7 में हमको प्रिंट कराना है तो जब आप क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट, ना तो इसका फेस लंबा होगा ना तो चौड़ा होगा, एग्जैक्ट जैसा ओरिजिनल है बिल्कुल ओरिजिनल प्रिंट होकर के आएगा। तो ये तो हो गया ये तरीका। तो अब उसके बाद मान लीजिए हम कंट्रोल जेड करते हैं और रेशियो वही सेलेक्ट है तो हम जब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से तो ये हमेशा उसी रेशियो के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से इसको मेंटेन करें, हाइट थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं या फिर चौड़ाई थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, आप फ्री होना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको ये रिसेट करना पड़ेगा। रिसेट के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर ये बटन दी हुई है जो रिसेट द क्रॉप बॉक्स को रिसेट करता है, तो आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो रिसेट हो गया रेशियो का। अब आप जो है यहाँ से अपने मुताबिक जितना चौड़ाई चाहिए उतना चौड़ाई पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना हाइट चाहिए उतना हाइट पर आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप प्रिंट करने के लिए आप इसको आउटपुट देंगे या एक फिक्स साइज के अंदर देंगे या तो लेफ्ट राइट से या तो अप एंड डाउन से कटेगा या फिर ओवर होगा। तो रेशियो को लेकर के चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मान लीजिए अब हम यहाँ से रेशियो ले लेते हैं मोबाइल फ़ोन के लिए 16:9, ये हमने रेशियो ले लिया, या फिर हम कंट्रोल जेड करते हैं और हम लेते हैं ये 4.6 का, ये हमने रेशियो ले लिया। और उसके बाद जो है कुछ और भी चीज़ें हैं ऊपर सेटिंग के लिए जो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है वो चीज़ें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी रूल ऑफ थर्ड्स पर क्लिक है, यहाँ से ग्रिड पर क्लिक करेंगे तो एक ग्रिड दिखाई देने लगेगा और उसी प्रकार यहाँ से जो है इस तरीके से आप कोई भी रख सकते हैं जो आपके हिसाब से सही लगे, जिस भी रेशियो में आप देखना चाहते हैं, जिस भी इस ओवरले को जिस भी तरीके से आप देखना चाहते हैं इस तरह से कर देंगे तो बीच का बिल्कुल डिस्टर्बेंस गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर यहाँ से क्लिक कर देंगे तो नेवर ओवरले, कोई भी ओवरले नहीं होगा ऊपर, किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो मज़ेदार चीज़ है आप इस वाले सेटिंग्स के अंदर देख सकते हैं, अगर आप इस पर क्लिक करके रखते हैं सो क्रॉप एरिया, तो क्या होगा कि ये जो बाहर की जो एरिया थी क्रॉप होने के बाद वो हमको दिखाई नहीं देगी। जैसे मान लीजिए इसको हम छोटा करते हैं तो वो कटता हुआ चला जाएगा, वो एरिया हमको दिखाई नहीं देगा। तो अगर दिखाई दे ये भी आप चाहते हैं तो ये सो करके रखना होगा, तो ये एरिया दिखाई देता रहेगा थोड़ा सा डार्क होकर के या लाइट होकर के इस तरीके से। और उसके बाद जो है ये सेंटर है, अगर आप ये सेंटर क्लिक करके रखते हैं तो ये पूरी इमेज जो है हमेशा सेंटर में रहा करेगी, इधर उधर नहीं होगी। तो ये सेंटर पर क्लिक करके भी बाय डिफ़ॉल्ट आप रखा करें ताकि आपकी जो मेन इमेज है वो सेंटर में रहा करे। उसके नीचे जो है आप ये देख सकते हैं जो बाहर एरिया का जो कलर है वो हम सेट कर सकते हैं अनेबल क्रॉप शील्ड में के अंदर आकर के। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो अभी जो है मैच कैनवस कलर में है, यानी कि जो फोटोशॉप का ये कैनवस होता है जो बाहर एरिया का जो कलर होता है वो हम कैनवस कलर बोलते हैं, तो वो कैनवस कलर के ही कलर का ये होगा अगर कैनवस पर है तो।
और उसके नीचे कस्टम है। अगर आप कस्टम पर आते हैं तो यहाँ पर आपको कलर मिल जाते हैं, अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप जिन भी कलर में आप ये जो है आउट एरिया रखना चाहते हैं वो कलर अपने हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। मान लीजिए वो आपको नहीं पसंद आता है, आप इस तरीके का कोई कलर रखना चाहते हैं, तो आप ये कलर लेकर के ओके करेंगे, वो कलर रहा करेगा। और उसके बाद जैसे ही जो आप इस तरीके से क्रॉप करेंगे तो बाहर का एरिया आपको उस कलर में दिखाई देगा। तो आप ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, अपने मन मुताबिक जैसा आपको सुविधा लगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी लुक, आप इस तरीके का भी दे सकते हैं। और उसी के अंदर जो है ये ओपेसिटी का है, यानी जो आपने कलर दिया है वो कितना लाइट और डार्क चाहिए वो ओपेसिटी आप यहाँ से मेंटेन कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए इसको हम कम करते हैं तो ये ओपेसिटी कम होती जा रही है इस तरीके से, और इस तरीके से आप बढ़ा देंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आप इसको अपने हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हैं, कितना आपको चाहिए ये सारी सेटिंग्स अपने हिसाब से आप कर पाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद जो है ये डिलीट क्रॉप पिक्सल्स है, इस पर क्लिक है तो क्या होगा कि जैसे आप ये इतना हिस्सा आपने क्रॉप किया, क्रॉप हो गया, और उसके बाद आप इसको क्रॉप एक्टिवेट करते हैं और आप इसको बढ़ाते हैं तो आपको आपने जो क्रॉप कर दिया वो हिस्सा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। तो यही चीज़ अगर कंट्रोल अल्ट प्लस जेड से करते हैं, वापस चलते हैं इंटर करने के बाद इस तरीके से, अगर आप यहाँ पर हटा देते हैं ये चेकमार्क हटा देते हैं और उसके बाद जो है आप क्रॉप करते हैं इस तरीके से और आपने क्रॉप कर दिया, तो इस वक्त क्या है वो बाहर जो क्रॉप हुआ है, जो हिस्सा कट गया है वो डिलीट नहीं हुआ है, वो अभी है। जैसे कि मान लीजिए दोबारा से आपने इसको क्रॉप किया तो ये दोबारा से आपको दिखने लग गया। अब आप दोबारा से आप इसको कर सकते हैं अपने हिसाब से, फिर दोबारा से एडजस्ट इसको कर पाएंगे, तो इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें इस तरीके का कई सारी सेटिंग्स, अगर आप जानते थे तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं जानते थे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रॉपर तरीके से जान गए होंगे। तो इस तरीके से क्रॉप का हम इस्तेमाल करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि क्रॉप टूल आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।